हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो इस बार जो है हम दिसंबर 2019 का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन में। यानी हम केवल ये नहीं देखने वाले हैं कि इसका आंसर ये होगा, बल्कि ये भी देखेंगे कि इसका आंसर क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये पार्ट वन है। हर पार्ट में जो है 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से 5 पार्ट में हमारी दिसंबर की जो है क्वेश्चन पेपर की सीरीज खत्म होगी। फिर ऐसे ही जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। ये जो पहला पार्ट है ये अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो अगला होगा वो क्या होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और साथ ही एक और अनाउंसमेंट है कि हमारी जो है टेलीग्राम की एक पब्लिक चैनल है। ठीक है, इनवाइट लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, साथ ही अगर आपको कोई भी मटेरियल चाहिए होगा तो वो जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, तो आप वो जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि सारे जो है आपको ईयर वाइज करने। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको ना बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो यू कैन स्किप, लेकिन अगर इसमें एक आध भी आपको पता है तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टोक्यो वाला एयरक्राफ्ट कन्वेंशन पता है तो वो जो है 1963 में हुआ था। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। तो देखिए, ए का जो है कितने में 4 दिया हुआ है, तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग, पहले गया, एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग, बचे 2। फिर है आपका सपोज आपको बाकी नहीं आता, टेररिस्ट बॉम्बिंग वाला, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो आपको ये चीज़ तो याद होनी चाहिए थी। तो टेररिस्ट बॉम्बिंग का जो कन्वेंशन हुआ था वो 1997 में हुआ था, यानी सी का सेकेंड होगा। तो सी का सेकेंड किस में है, सी का सेकेंड जो है आपका सेकेंड ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। तो आइए अब हम अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें जो है आपका टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन ये आपका हुआ था 1997 में, और जो दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये कब हुआ था, 10 अप्रैल 2002 में। टोक्यो कन्वेंशन 1963 में, और ये फोर्स में कब आई, 1969 में। तो ये चीज़ देखना है। एंड मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1999 में। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलियंट फीचर ऑफ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 2012। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता था तो इसको कॉमन सेंस से आप कर सकते थे। सेटिंग ऑफ ऑफ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, बिल्कुल। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ रिसाइकिल एंड रीयूज, ये तो वैसे भी होना है क्योंकि इस पे जो है फोकस किया जा रहा है। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है वो क्या है, इस पे फोकस किया जा रहा है। और ये हर एक चीज़ में, अगर आपको आगे भी कोई ऐसा चीज़ आता है जिसमें रिसाइकिल एंड रीयूज की बात की जाती है तो आप उसको सही मार्क कर सकते हैं। फिर एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन प्लस नेशनल जितने भी आपके कमीशन आई हैं उन सब ने क्या रिकमेंडेशन किया है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये भी सही है। फिर है वाटर यूजर एसोसिएशन शुड बी गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। तो यही जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि कौन कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे 50-50 मेथड अप्लाई करते हैं, और जब भी ऐसा कोई आता है तो उसमें हम ऑल ऑफ द अबव करते हैं, तो चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बी है। आइए देख लेते हैं इसके जो है सेलेंट फीचर्स क्या हैं। तो पहला है कि नेशनल वाटर फ्रेमवर्क लॉ लेके आना है। ठीक है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज को क्या करे, कॉम्प्रहेंसिवली लेजिस्लेट करे। दूसरा है कि वाटर जो है आफ्टर मीटिंग द प्री एम्प्टिव नीड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, अचीविंग फूड सिक्योरिटी, सपोर्टिंग पुअर पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवली, मेनली ये जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड, फिर थर्ड है आपका इकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द रिवर शुड बी डिटरमाइंड, रिकॉग्नाइजिंग दैट रिवर फ्लोज फ्रॉम कैरेक्टराइज बाई लो और नो फ्लो, नो मतलब इसमें जो है जो इकोलॉजिकल बैलेंस है एक रिवर का उसको मेंटेन करना। फिर जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है तो उसके लिए उस व्यू को लेकर जो है कौन सी जो आप स्ट्रेटेजीज अपना सकते हो। फिर है आपका रिमूवल ऑफ लार्ज डिस्पेरिटी इन स्टिपुलेशन फॉर वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज एंड इन रूरल एरियाज हैज बीन रिकमेंडेड। फिर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो इसमें था,
फिर है आपका सिस्टम टू एवॉल्व बेंचमार्क फॉर फॉर वाटर यूजेस फॉर डिफरेंट पर्पजेस, जैसे कि वाटर फुटप्रिंट हुआ, वाटर ऑडिटिंग हुआ, इस तरीके की कोई भी जो है जिससे कि एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक यूज किया जा सके वाटर का, उस उन टूल्स को डेवलप करना है। फिर है वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, और लास्ट है कि वाटर यूजर एसोसिएशन को क्या करना चाहिए, पावर देना चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। अगला क्वेश्चन, असर्शन है, एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट थिंकर टू अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड बट इट वॉज एक्सीडेंटल। जब आपको पता है कि जब हमने आपको एरिस्टोटल अपनी वीडियो में पढ़ाया था, तब हमने आपको बताया था कि एरिस्टोटल ने बताया था कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में क्या डिफ्रेंशिएट होता है, लेकिन उन्होंने क्या बताया था, जनरल टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल टू जनरल, बहुत ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं किया था। तो ये क्या था, सही था, मतलब उनकी जो थ्योरी थी पहले से डिटरमाइन नहीं थी, वो जो है सबूत इकट्ठा, जैसे नहीं होता है कि हमें जो है जैसे जैसे चीज़ों को देखते गए, वैसे वैसे एक्सपीरियंस करते गए, तो वैसे वैसे एक थ्योरी डेवलप हुई थी। तो वो क्या था, उनका इंडक्टिव मेथड में यूज़ हुआ था। फिर इन केस ऑफ मैकियावेली यूज़ ऑफ इंडक्टिव मेथड वॉज इंटेंशनल। इनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है, जो मॉडर्न आपके थिंकर्स हैं, तो इनको अच्छे से पता था कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, और इसलिए इन्होंने जो है इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया था। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें आपका क्या है कि ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन मैकियावेली का एरिस्टोटल से क्या संबंध है मेथड में यूज़ करने में, इंटेंशनल था या उनका एक्सीडेंटल है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच आर द थीम्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो है आपका एडॉप्टेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, परफॉर्मेंस टारगेट्स, बिल्कुल सही, अडॉप्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रैक्टिसेस। तो देखो यहाँ पर कैसे कर सकते हो, अगर पहला जो है स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, ये दो अलग अलग ट्रेजेक्टरीज में जा रहे हैं। एक बोल रहा है पब्लिक सेक्टर को, मतलब प्राइवेट सेक्टर को अडॉप्ट करो, एक बोल रहा है आपका पब्लिक सेक्टर को अडॉप्ट करो। तो या तो ऑप्शन आपका बी सी एंड डी होगा, या तो ए बी एंड सी होगा, क्योंकि जो दो हैं वो तो बिल्कुल ही सही लग रहे हैं। तो लेकिन जो अगर आपको न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा भी अगर आपने न्यूज़ में या कहीं भी पढ़ा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो है प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की बात करता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हो कि कोई भी होगा वो किसको अडॉप्ट करने की बात करेगा, प्रैक्टिस को पब्लिक सेक्टर, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं इसलिए। तो आइए देख लेते हैं कि कुछ कोर थीम्स क्या हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल, वैल्यू फॉर मनी एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ओके, तो ये पहला है। फिर एक कमांड एंड कंट्रोल मोड फंक्शनिंग, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिंग टारगेट्स एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, हैंडिंग ओवर द पावर ऑफ पावर टू सीनियर मैनेजमेंट, ये जो हमारा ऑप्शन में था। फिर ऑडिट इंट्रोड्यूस करेंगे, इससे क्या होगा, जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी। फिर कस्टमर ओरिएंटेशन होना चाहिए। फिर है आपका कि जो सेल्फ रेगुलेटरी पावर है ना, उसको क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल से मैनेजमेंट की तरफ ट्रांसफ़र करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर मैनेजरियल तरीके से जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, लूप होल्स को सॉल्व कर दिया जा किया जा सकता है। फिर है जो है एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट को क्या करना है, इनक्रेज करना है, ठीक है। और फिर है आपका ताकि इसमें जो क्या हो सके, अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। फिर है इंट्रोड्यूसिंग न्यू फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंट्रोड्यूसिंग अ बोर्ड मॉडल ऑफ फंक्शनिंग एंड कंसंट्रेटिंग द पावर्स टू स्ट्रेटेजिक कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हैं आपके कुछ कोर थीम्स। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि अरेंज द फॉलोइंग आश्रम्स इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय गांधी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर तो आप सभी को पता है कि फिनिक्स सेटलमेंट को सबसे पहले इन्होंने खोला था, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट हो जाता है। फिर अगर इसके बाद से अगर आपको जरा सा भी आइडिया था कि फिनिक्स के बाद जो है टॉल्स्टॉय फॉर्म को उन्होंने ओपन किया था, तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे आंसर निकल के क्या आ जाएगा, ए, यानी ए बी सी एंड डी। तो ये बहुत ही ईजी था, लेकिन अगर नहीं पता था तो फिर यहाँ पे तीन थे, लेकिन फिर भी आप इसको अटेम्प्ट तो कर ही सकते थे। तो फिनिक्स सेटलमेंट को कब पाया गया था, 1904 में और डरबन के पास। फिर है आपका टॉल्स्टॉय फॉर्म, ये 1910 में क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था, और ये जो है फॉर्म करवाया गया था विद द हेल्प ऑफ हर्मन कैलिंगबेच। तो
तो ये जो है मतलब उनके ऊपर उनका नाम रखा गया था टॉल्स्टॉय फॉर्म का, क्योंकि ये जो है गांधी जी के एसोसिएट थे। फिर एक कोचरब आश्रम, ये फॉर्म किया गया था आपका 1915 में, और ये कहाँ था? अहमदाबाद इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मतलब ये यही सिटी ऑफ अहमदाबाद में लोकेटेड है। फिर है आपका सेवाग्राम, इट इज इन द नेम ऑफ महाराष्ट्र, एंड ये जो है 1948 में क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था, एंड इट वॉज द प्लेस वेयर महात्मा गांधी आश्रम एंड हिज रेजिडेंस फ्रॉम 1936 टू हिज डेथ। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आना होगा तो आपके अगले साल यानी अभी जो एग्जाम होने वाला है तो ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी किस आश्रम में जो है रहे थे फ्रॉम 1936 टू टिल हिज डेथ। ओके, तो ये जो है आपको पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। फिर है अगला क्वेश्चन आपका कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन अंडरटेक द इवेल्युएशन स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है आपका ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज, डायरेक्टिव लेजिस्लेशन एंड रिक्वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री। तो जब हमने आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पढ़ाया था, ये दिसंबर के एग्जाम से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट किए थे जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी थे, तो उस टाइम हमने आपको आर्टिकल 149 में इनके ड्यूटीज एंड पावर्स बताए थे, और तभी हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो किस किस चीज़ों की जो है ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो हमने उस टाइम आपको बताया था कि CFI से रिलेटेड यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसकी ऑडिटिंग कर सकते हैं, कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी आ रहा है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया से कोई भी फंड है तो उसका क्या कर सकते हैं, या ऑडिटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, और उसी में हमने आपको बताया था कि किसके किसके थ्रू कर सकते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि अपने इनिशिएटिव पे कर सकते हैं इनको अगर लगे, ये मैंडेटरी नहीं है। फिर अगर फाइनेंशियल कमिटीज़ है वो उनको बोल रही हैं कि भाई कर दीजिए तो भी कर सकते हैं। फिर डायरेक्टिव्स इन लेजिस्लेशन यानी अगर कोई लेजिस्लेशन है, कोई लॉ है, वो बोल रहा है कि उनको करना चाहिए तो ऑब्वियसली वो करेंगे। लेकिन इसकी द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स डिवीजन ऑफ अ मिनिस्ट्री, ये कहीं भी नहीं बताया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी एंड सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर टू रिगार्डिंग इंडो पाक रिलेशंस ऑन कश्मीर। तो द सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट डिस्कस द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1948। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जो आपका डिस्कशन हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में सबसे पहली बार डिस्कशन हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो आपको ये चीज़ तो एक बार जो करंट में होता है ना उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ये पूछते हैं, तो जो भी IR का करंट होगा उसको एक बार आप देखते रहिएगा। फिर टेररिस्ट अटैक ऑन समझौता एक्सप्रेस वॉज मेड इन 2007, सही है। बस सर्विस अक्रॉस सीज फायर लाइन वॉज इनॉग्रेटेड इन 2006, बिल्कुल सही है। समिट मीटिंग टू प्लेस इन 2004 इन इस्लामाबाद बिटवीन अटल बिहारी वाजपेयी एंड परवेज मुशर्रफ, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो 1971 में सबसे पहली बार डिस्कशन हुआ था, और 2007 में समझौता एक्सप्रेस पे क्या हुई थी? बॉम्बिंग हुई थी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? CND, यानी ऑप्शन है आपका डी। आपका अगला क्वेश्चन है कि जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट की उसको मैच करना है। तो ये क्वेश्चन भी जो है हमने आपको दिसंबर के एग्जाम से पहले जो है प्रेसिडेंट पढ़ाया था, और वीटो पर फोकस किया था, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जब आप उसका एनालिसिस करते हैं ना तो वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पास तीन टाइप के वीटो हैं, और क्वालिफाइड वीटो ये USA में होता है, हमारे यहाँ नहीं है। तो क्वालिफाइड वीटो क्या होता है कि एक बार अगर प्रेसिडेंट ने एसेंट कर दिया, ठीक है, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, उसके बाद से अगर उस हाउस से मेजोरिटी में आता है तो उनको क्या करना पड़ेगा? एसेंट देना ही पड़ेगा। फिर है आपका एब्सोल्यूट वीटो, तो इसमें वो क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं कि आप कंसिडर करिए एक बार, सॉरी दिस इज योर सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या करते हैं, वो रिटर्न कर देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। तो आइए पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं कि इससे हमारा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो सस्पेंसिव वीटो यानी सी का फर्स्ट ऑप्शन कहाँ है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये देखो। अगर आपको सिर्फ एक पता है तो सारा का सारा कट हो जाता है और आपका आंसर सीधे सीधे निकल आता है। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या है कि उन्होंने ना बोल दिया कि
कि हम बिल नहीं पास करेंगे। क्वालिफाइड वीटो में आपको क्या होता है कि उन्होंने वापस भेजा और वो दोबारा से पास हुआ तो उनको करना पड़ेगा, सस्पेंसिव ये। पॉकेट वीटो में वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। हमने आपको एग्जांपल दिया था, कौन कौन से प्रेसिडेंट है वो सब कुछ आपको बताया था। यहाँ पर देखिए, प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शन में सारे पावर एंड फंक्शन डिस्कस किए गए थे, इस पर हम लोगों ने खास फोकस किया था और ये क्वेश्चन आया था। फिर है, हु डिफाइंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ये थे ड्वाइलाइट वॉल्डो। ठीक है, तो ड्वाइलाइट वॉल्डो डिफाइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। फिर आपका रिक्स ह्यूज मॉडल इज बेस्ड ऑन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, अटेनमेंट वैल्यू इन सोसाइटी, डोमिनेंस ऑफ रॉयल फैमिली, इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो पहला फर्स्ट इज करेक्ट, अटेनमेंट ऑफ वैल्यू इन सोसाइटी की उन्होंने बात नहीं की थी, डोमिनेंस ऑफ रॉयल फैमिली की उन्होंने बात की थी, इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम की उन्होंने बात की थी। तो आपका क्या होगा, ए सी एंड डी, आंसर इज फर्स्ट। तो ये जो है फ्रेडरिक्स के कुछ, ही वॉज नोन एज कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उनको फादर बोला जाता है, और उनकी बुक का क्या नाम था, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो बुक क्या है, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि रिक्स से हमेशा क्वेश्चन आता है। और फिर इन्होंने दो टाइप के जो है मॉडल्स बताए थे, एग्रेरियर ट्रांजिशन ट्रांजिटा इंडस्ट्रिया मॉडल, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफेक्टेड मॉडल, और इसी में जो है इन्होंने प्रिज्मेटिक में तीन जो है फॉर्म डिस्कस किए थे, और इनको इन्होंने क्या बोला था, क्लिक्स यानी क्लब्स प्लस सीड्स मॉडल। तो इसको एक बार ये देख लीजिएगा। फिर है, अर्थशास्त्र इज नोन एज श्रुति संहिता स्मृति नीति शास्त्र। अर्थ का क्या मतलब होता है, पैसा। ठीक है, इसमें इन्होंने अपने पॉलिटी के बारे में भी डिस्कस किया था, तो अगर आपको इतना पता है कि पॉलिटी के बारे में डिस्कस किया था, तो नीति का क्या मतलब होता है, पॉलिटी राजनीति पॉलिसीज। ठीक है, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, राजा का क्या धर्म होना चाहिए, तो नीति शास्त्र। इस तरीके से कॉमन सेंस यूज करेंगे ना, तो आपको चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो आंसर क्या है आपका, नीति शास्त्र। फिर अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जलियांवाला बाग मैसेकर, रिपोर्ट सबमिशन बाय हंटर कमेटी, चौरी चौरा इंसिडेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। तो इसको देखो, इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको नहीं आता है, सिर्फ आपको ये पता है कि जलियांवाला बाग जो है सबसे पहले हुआ था 1913 में, सपोज डेट भी नहीं याद है, फिर भी जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1913 में, फिर इसी का जो है रिपोर्ट सबमिट किया था हंटर कमेटी ने, तो यानी ए के बाद बी आना चाहिए। देखो कौन कौन से ऑप्शन में ए के बाद बी आ रहा है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या, फर्स्ट एंड थर्ड, फिर चौरी चौरा इंसिडेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी। 50-50 का गेस है, आप एक गेस ले सकते हो, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं यहाँ पे। तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था आपका 1922 में, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी हुई थी 1923 में। तो आपका आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, तो यहाँ पर है जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और हंटर कमीशन की रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी, 1920 में, और स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुई थी, 1923 में, और चौरी चौरा इंसिडेंट उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ पे हुआ था, और 1922 में हुआ था। ओके, तो बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इट इज़ रिटन बाय, ऑप्शन है लूशियन पाई, जी एस सबाइन, जी आमंड, मॉरिस टॉड, सबको पता है लूशियन पाई। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बाय लूशियन डब्ल्यू पाई, द लिटिल ब्राउन सीरीज, ठीक है, इट वॉज रिटन बाई लूसियन पाई। फिर है, अरेंज द फॉलोइंग यूएन सिस्टम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो आईबीआरडी, मीगा, आईएफसी, आईडीए। अगर आपको इसमें ये चीज पता है कि सबसे पहले क्या बना था, आईबीआरडी, यानी फर्स्ट सबसे पहले आना चाहिए, तब भी आपका जो क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट थर्ड फोर्थ, क्योंकि बाकी सब में कहीं से भी फर्स्ट से स्टार्टिंग नहीं हो रही है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, टू। तो यहाँ पे देखिए, आईबीआरडी जो है 1944 में फॉर्म हुई थी,
फिर आईडीए जो है आपका 1960 में फॉर्म हुआ था, आईएफसी जो है आपका 1956 में फॉर्म हुआ था, और मीगा का फॉर्म हुआ था 1988 में. सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आईएलओ बिकम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है प्योर तुक्का था, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको नहीं पता है, आपको अगर पता होगा तो ये पूछा है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी कब बनी थी, तो ये बनी थी आपकी 1946 में. आईएलओ फॉर्म हुई थी उसकी डेट नहीं पूछ रहा है, एजेंसी कब बनी थी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी कब बनी थी वो डेट पूछी जा रही है. फिर अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ब्रिक्स, आईबीएसए, G7, G20. तो इसमें भी आपको पता है कि G7 सबसे पहले फॉर्म हुआ था, इतना तो पता होगा. फिर तो थर्ड जो है आपका सबसे पहले आना चाहिए, तो दिस वन इज गॉन, दिस वन इज गॉन, दो बचे, 50-50 का गैस है. G7 के बाद G20 आई थी, तो थर्ड के बाद क्या आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए. तो दिस इज, अगर आपको दो पता है तो भी आसानी से क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा. आइए देखते हैं फिर. तो G7 जो थी वो आपकी 1975 में आई थी, G20 1999 में आई थी, और उसके बाद से आपकी IBSA आई थी 2003 में ब्राज़ील में, और फिर आया था आपका ब्रिक्स 2006 में. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर यूनेस्को वॉज सेटअप, द आंसर इज 1946. यहाँ पर देखिए, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद इकबाल बरानी, और इनको मैच करना है आपको. ठीक है, तो अगर आपने जून का जो क्वेश्चन पेपर था वहाँ पे उसको सॉल्व किया होगा, तो आपको जो है अगर आपने मोहम्मद इकबाल के बारे में या बरानी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो बहुत ही इजीली हो जाता था आपका क्वेश्चन. इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे क्या किया जाता है, इतना एम्फेसाइज किया जाता है. तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम रिलीजियसली फॉलो करना है. तो मोहम्मद इकबाल की जो है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम, यानी सी का क्या होगा, सेकंड. आइए देखते हैं सी का सेकंड किस में है. तो दिस वन इज गॉन, दिस वन इज गॉन. फिर बरानी ने लिखा था फतवाहे जहेंद्री, यानी डी का 4. तो आपका अगर दो पता है तो आंसर वैसे ही निकल आएगा. ठीक है, तो दिस इज गॉन. फिर जयप्रकाश नारायण, इन्होंने क्या किया था, वाई सोशलिज्म लिखा था, और राम मनोहर लोहिया सॉल्ट एक्सेशन में. आई होप दिस इज क्लियर. सो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि विच इंसिडेंट मेड पेरियार एन एथिस्ट. हमने आपको बोला था कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आपको क्या करना है, स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट ने उनको क्या बना दिया था, एथिस्ट बनाया दिया गया था. क्या हुआ था, वो जब यहाँ पे गए थे तो उनको लगा था कि अब जो है कास्टिज्म वगैरह खत्म हो चुका है, और कम से कम ऐसे बड़े टेंपल में तो कोई कास्ट नहीं होगा. लेकिन जब वो वहाँ पे गए थे तो उनको एंटर नहीं करने दिया गया था. क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो इसके बाद से उन्होंने, वो क्या हो गए, वो एथिस्ट बन गए. और उन्होंने बोला था कि जो भी भगवान को फॉलो करता है वो महामूर्ख है, क्योंकि भगवान है ही नहीं, देर इज नो गॉड. ओके, तो ये इनका स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन क्या है आपका, बी. अगला क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा, आर्टिकल 243A, 243C, 243B, 243D. तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या है, 243A. आइए देख लेते हैं कि बाकी सब में क्या है. तो 243A में आपका ग्राम सभा की कॉम्पोजिशन की बात की गई है, 243B में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243C में कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत. ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन है कॉम्पोजिशन. डी में क्या बोला गया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ई में ड्यूरेशन, एफ में डिस्क्वालिफिकेशन, फिर पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, खुद से देख लीजिएगा. एंड दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, 243O किस से बात करता है एंड 243M किस से बात करता है, पार्ट नॉट टू अप्लाई ऑन सर्टेन एरियाज. और ये क्वेश्चन जो है 243K इलेक्शन ऑफ पंचायत, ये शायद पूछा गया था, वो हम अपनी अगली जो है जब डिस्कस करेंगे दिसंबर का पेपर, तब देखिएगा यहीं से आ जाएगा इलेक्शन ऑफ पंचायत. लास्ट क्वेश्चन कि हु डिफाइंड लीडरशिप एज द अबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद जील एंड कॉन्फिडेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कून्स एंड ओडोनल. ऑप्शन के आंसर के कून्स एंड ओडोनल. तो आइए कुछ जो है हम उनके भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं.
कुंड्स एंड ओडोनल ने क्या कहा था कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। पीटर डकर ने क्या बोला था कि लीडरशिप इज नॉट मेकिंग फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, दैट इज सेल्समैनशिप, इट इज द लिफ्टिंग ऑफ मैंस विजन्स टू हायर राइट्स, रेजिंग ऑफ मैंस पर्सनैलिटी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिटेशंस। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या बोला था कि लीडरशिप इज द अबिलिटी ऑफ सुपीरियर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट और ग्रुप एंड पर्सुएड देम टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी पीटर डकर किसकी बात करते हैं, लिफ्ट करने की, कि हम ग्रो हो रहे हैं तो साथ में आप भी ग्रो हो, ठीक है। और ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि जो लीडर है जैसा बिहेव करेगा वैसे ही क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स भी बिहेव करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच।